hello children good morning today i am going to teach you mathematics subject chapter number 11 so let's continue exercise number 9 divide the given pieces of land into three equal parts such that is part cries 1 3 and fill different color in पार्ट आपको ट्री दी है और उसके लैंड जमीन के अलग अलग थ्री पार्ट्स बनाने एक, एक सेम अभी आपको जो पीसेस दिए हैं वो ऐसे ट्री को मिलाना नहीं है तो ये पूरे पीसेस अपने होते हैं एटी सेवन एटी सेवन पीसेस होते हैं अभी उसका अपने को थ्री भाग करना है आपको एक थ्री गिनना है नहीं ये पार्ट्स हमने नहीं गिने गए पीसिस के अंदर एटी सेवन पार्ट्स होते हैं तो हमको कितने ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन के थ्री पीसिस करने हैं तो एटी सेवन होता है जैसे ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटी एटीन नाइनटी ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ऐसे ये भी ट्वेंटी नाइन है और ये भी ट्वेंटी नाइन है तो तीनों को मिला के उठते हैं एट्टी सेवन अभी आपको अलग अलग कलर से उसको करना है तीनों पार्ट्स को अभी टू नंबर में टू नंबर में आपको दिया है उसमें आपको ये पूरे इसी से उसको काउंट करना है या फिर उसके थ्री बॉक्स में उसमें भी बनाना है वो आपको बनाना है उसमें मैंने एक आपको बताया वो हिसाब से दूसरा आपको करना है एक्सरसाइज नंबर टेन इन विच यूनिट विल यू मेजर द एरिया ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ठीक राइट इन द प्रॉपर कॉलम अभी आपको नीचे मेजर मापना है एरिया दिया है आपको कुछ चीजें दी है आइटम्स दिए है उसको स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर में मापना है अभी उसका नाम दिया है नीचे देखो आइटम से वन नंबर है हैिप्स तो हम इसका इससे मेजर उसके किससे मापेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर से आपको एक बताया हुआ हैिप्स यानी जो हाथ रुमाल होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर नंबर में साड़ी तो साड़ी को मेजर मापने के लिए स्क्वायर मीटर चाहिए मीटर से मापी जाएगी साड़ी को बोर्ड तो स्क्वायर सेंटीमीटर से मापा जाएगा फोर नंबर पेज ऑफ ए बुक एक बुक का एक पेज है वो स्क्वायर सेंटीमीटर से मापा जाएगा मोबाइल फोन स्क्वायर सेंटीमीटर प्ले ग्राउंड ऑफ ए स्कूल तो स्क्वायर मीटर में मापा जाता है उसको जो स्कूल का जो मैदान होता है खेल का उसको स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा सेवन नंबर में दिया है टोटल लैंड ऑफ ए सिटी सिटी को को मापने के लिए कितने जमीन में वो सिटी है शहर है तो उसको किलोमीटर से मापा जाता है स्क्वायर किलोमीटर चेयर सीट बैठने की चेयर होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मापा जाएगा डोर ऑफ ए क्लासरूम क्लासरूम का जो दरवाजा है डोर है उसे किससे मापा जाएगा स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर टेन नंबर ब्लैक बोर्ड जो लिखते हैं वो ब्लैक बोर्ड को स्क्वायर मीटर से गार्डन स्क्वायर मीटर त्रिपोर्ट स्क्वायर सेंटीमीटर इंडियन फ्लैग जो इंडिया का फ्लैग होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर फ्लोर ऑफ किचन जो किचन का फ्लोर होता है वो किससे मापा जाएगा स्क्वायर मीटर से स्क्वायर मीटर भी अपने मेजर किया किस सेंटीमीटर में किसके मापा जाता है मीटर और किलोमीटर में जो आपको नीचे जो आइटम्स दिए वो हिसाब से उसको तीन ऑप्शन दिए है स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर और स्क्वेयर किलोमीटर इसमें राइट किया है जिसे मापा जाता है उसमें अभी सॉल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज नंबर इलेवन द फॉलोइंग निम्नलिखित को हल करें क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया है कि महेश डिसाइड टू स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन महेश भाई डिसाइड टू फीट स्क्वायर टाइल्स ऑन द फ्लोर ऑफ किचन इच टाइल्स मेजर टेन सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इसकी लंबाई कितनी है मेजर मापा तो टाइल की टेन सेंटीमीटर लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द दिज किचन इज वन हंड्रेड सेंटीमीटर है तो जो किचन की लंबाई है वो कितनी है एक सौ पचास सेंटीमीटर तो एंड इट ब्रेथ इस सौ सेंटीमीटर इसकी पौड़ाई है वो हंड्रेड सेंटीमीटर चौड़ा है वो हंड्रेड सेंटीमीटर है तो देन हाउ मेनी टाइल्स वुड बी नीडेड तो कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी अभी मैं आपको फिर से वो क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि महेश भाई ने रसोई के, के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने का फैसला किया तो प्रत्येक टाइल की लंबाई दस सेमी है कितनी है प्रत्येक एक टाइल से यानी उसकी लंबाई है वो टेन सेमी यानी दस सेम सेमी है यदि उसकी रसोई की लंबाई वन हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई है वो ब्रेड है वो हंड्रेड सेंटी सेमी है तो देन हाउ मैनी टाइल्स वुड बी नीडेड तो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी वो बताया है तो एरिया ऑफ फ्लोर जो फ्लोर किचन का जो एरिया है उसका बताया है एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई अभी इसमें लेंथ लंबाई कितनी है तो 150 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई इसकी ब्रिथ यानी चौड़ाई कितनी है 100 सेंटीमीटर तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है फिफ्टी पंद्रह हजार सेंटीमीटर एरिया ऑफ ए टाइल्स बताइए साइड बाय साइड साइड बाय साइड तो टेन सेंटीमीटर बताया उसमें कितना बताया है टेन सेंटीमीटर टेन मल्टीप्लाई टेन करेंगे तो टेन टेन जा हंड्रेड होता है तो हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ तो हैंस द नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ वन टाइल तो फिफ्टीन फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड हंड्रेड करेंगे तो जीरो जाएगा जीरो जीरो डिवाइड करे जीरो तो कितने बचते है वन हंड्रेड फिफ्टीन टाइल्स वन हंड्रेड फिफ्टीन टाइल्स को की आवश्यकता होगी कितनी होगी वन फिफ्टीन टाइल्स की आवश्यकता होगी टू नंबर है द लेंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड गार्डन इज ट्वेंटी फोर मीटर देंथ ऑफ फेंसिंग अराउंड ए स्क्वेर गार्डन इज ट्वेंटी फोर मीटर वॉट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द गार्डन एक वर्गकार बगीचे के चारों ओर बाढ़ लगाने के लिए की लंबाई लगाने की लंबाई ट्वेंटी फोर मीटर है तो बोले के व्हाट इज लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द गार्डन तो बात बगीचे के एक तरफ की लंबाई है कितनी होगी वो बताना है तो लेंथ ऑफ द फेंसिंग फिर दिया है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर गार्डन पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर गार्डन इक्वल ट्वेंटी फोर मीटर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्र गार्डन फिर पेरीमीटर ऑफ शेयर गार्डन फोर करना है आपको के चारों ओर फिर ट्वेंटी फोर डिवाइड फोर करेंगे

कि एक रेटेंगल आयात के सेमी लंबे पतले तार से बनाया जाता है इफ द ऑफ द रेक्टेंगल इज सेंटीमीटर आयत की चौड़ाई थ्री सेंटीमीटर है तो देन वॉट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो उसकी लंबाई आयत की लंबाई क्या है वो बतानी है आपको तो ब्रिड थी उसकी थ्री सेंटीमीटर है तो तेरे उसकी लंबाई कितनी है चौड़ाई थ्री है तो लंबाई कितनी है तो लेंथ प्लस ब्रिड था इक्वल ट्वेंटी सेंटीमीटर टू लेंथ प्लस थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर इक्वल टू लेंथ इक्वल ट्वेंटी सेंटीमीटर टू लेंथ इक्वल ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर टू लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर अभी इसको फिर बता है लेंथ इक्वल फोर्टीन डिवाइड टू टू सेवन जा फोर्टीन टू सेवन जा फोर्टीन तो इसमें आपको बताया है के उसके उसकी लेंथ की लंबाई वो 7 है वो तो सेवन सेंटीमीटर है क्योंकि लंबाई सेवन सेवन हो गई दोनों साइड तो फोर्टीन हो गया फोर्टीन और चौड़ाई दोनों साइज थ्री थ्री है तो थ्री और थ्री सिक्स हो गए फोर्टीन और सिक्स ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाता है फोर नंबर इफ द दैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैरम बोर्ड इज टू हंड्रेड सेंटीमीटर देन वॉट इज द एरिया ऑफ द टेट कैरम बोर्ड के एक वर्क कैरम बोर्ड का पेरीमीटर टू सेमी है तो उस कैरम बोर्ड का क्षेत्रफल क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल क्या है वो बताया है तो प्री पेरीमीटर ऑफ कैरम बोर्ड इक्वल फोर फोर साइड बताइए उसकी टू हंड्रेड है अभी आपको तो कैरम का फोर साइज बताइए और उसकी सेंटीमीटर है टू हंड्रेड सेंटीमीटर इक्वल फोर तो फोर फाइव जा ट्वेंटी होता है फोर फाइव जा ट्वेंटी तो फाइव और जीरो आ गया इसमें, तो एक साइड की उसकी पेरीमीटर फिफ्टी होता है तो चार साइड का होता है कि एक साइड का फिफ्टी होता है जैसे सो द एरिया ऑफ द कैरम बोर्ड लेंथ टू तो फिफ्टी मल्टीप्लाई फिफ्टी और इसमें बताया है फिफ्टी टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर होता है अब इसको फिफ्टी मल्टीप्लाई फिफ्टी फिफ्टी और टू बताया इसमें तो जीरो का जीरो जीरो का जीरो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर होता है लेंथ फिफ्टी और एरिया ऑफ कैरम बोर्ड का पूरा क्षेत्र पड़े टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व रो थ्री रेक्टेंगल विथ डिफरेंट साइज इन द स्क्वायर सीट की बिलो अभी ड्रॉ करना है रेक्टेंगल और डिफरेंट डिफरेंट साइज का इन द स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर। शीट गिवन बिलो इन सर्च ए वे डेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बिकम ट्वेल्व स्क्वायर ऑन इट्स बेसिस कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एरिया ऑफ द वन स्क्वायर वन स्क्वायर सेंटीमीटर है एक स्क्वायर का वन स्क्वायर सेंटीमीटर है तो अपने बनाया है देखो इसमें रेक्टेंगल बना तो one, है तो वन टू है तो टू लिखेंगे फिर इधर है ये इसकी बताई है लेंथ ले ब्रिथ एक दो तीन चार पाँच सिक्स सिक्स है और ये है तो क्या होता है इसमें के ये पेरीमीटर है सिक्स प्लस सिक्स प्लस टू प्लस टू, प्लस टू. तो सिक्स या और सिक्स ट्वेल्व हुए और टू और टू फोर होते हैं तो इक्वल दोनों को मिला के सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर होता है जैसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह हुए सिक्स सिक्स मिला के और टू टू वो मिलाए तो दोनों को मिला के सिक्सटीन स्क्वायर सेंटीमीटर होता है अभी इसमें भी ऐसा है ये वन टू थ्री फोर है और इसमें वन टू थ्री तो इसमें क्या करना है कि पेरीमीटर थ्री प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर तो थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है फोर प्लस फोर एट होता है एट और सिक्स फोर्टीन स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है क्योंकि आपको एक स्क्वायर में वन स्क्वेयर सेंटीमीटर देखना है तो वो अपने को बना के उसका काउंटिंग करना है अभी नीचे आपको रेक्टेंगल वन टू थ्री बताया है फिर लेंथ बताइए ब्रेथ बड़ा बताइए उसकी लंबाई या चौड़ाई, एरिया बताया है और पेरीमीटर बताया हुआ है तो सिक्स लेंथ है टू ब्रेथ है एरिया ट्वेल्व सेंटीमीटर है और पेरीमीटर सिक्स फाइव सेंटीमीटर ऐसे आपको वो हिसाब से इसमें लिखना है बना के लेंथ सिक्स सेंटीमीटर बिल्ड टू सेंटीमीटर और एरिया ट्वेल्व सेंटीमीटर पैरिमीटर सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर इस हिसाब से करके लिखेंगे समझ गए ओके अंडरस्टूड